हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने का चीला। ये मैंने साबूदाना एक कटोरी ले लिया है, जिसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये प्याज ले लिया एक, इसको बारीकी से काट लिया है। एक मिर्ची ले लिया है, इसको भी बारीक से काट लेंगे। धनिया पत्ती ले लिया है, इसको भी बारीक से काट लेंगे। एक आलू ले लिया, जिसको उबाल के मैंने छील के उतार के रख लिया है। ये थोड़े से मूंगफली ले लिया है, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है। चलिए एक मिक्सर जार लेते हैं और इसमें साबूदाना को डालेंगे। ये मूंगफली भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। देख सकते हैं ये मैंने पीस लिया है, तो इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद जो मैंने आलू लिया था, इसको कद्दूकस कर लेंगे और उसको इस पेस्ट में मिक्स कर लेंगे आलू को। आलू को पेस्ट में मिला लिया है, प्याज काट के जो रखा था वो भी मिला लेंगे, मिर्ची भी मिला लेंगे और साथ में धनिया पत्ते भी मिला लेंगे। सबको मिलाने के बाद इसको अच्छे से ऐसे चलाते हुए ऐसे मिला लें, मिक्स कर लें इसको। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा पानी डालना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और इसको फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च डाल लेंगे। थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें ज़्यादा मसाला यूज नहीं किया है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए इधर गैस ऑन करते हैं और इस पे तवा चढ़ाते हैं। जब तवा गर्म हो जाए, तो हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो बस ये जो हमने वेटर तैयार करके रखा था, उसको ऐसे बीच में डालेंगे और हल्के हाथों से इसको अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। इसमें आज जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये अच्छे से ऐसे फैलेगा नहीं और बीच में टूट जाएगा। तो बस इसको ऐसे फैला लें चारों तरफ, और जो ये एक तरफ से सिक जाए अच्छे से, तो आप इसको धीरे धीरे पलटा के दूसरी तरफ से सेकें। आप गैस को मीडियम रखें और इसको ऐसे ही दोनों साइड से सेक लें। जब ये अच्छा सा सिक जाए, तो आप इसको प्लेट में निकाल लें। आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये ब्राउन हो गया है, तो बस हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही दूसरा तैयार करेंगे। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा तेल डालना है। इसके बीच में बैटर को डालना है और ऐसे चारों तरफ हल्के हाथों से ऐसे फैला लेना है। जब एक तरफ सिक जाए, तो ऐसे पलटा के दूसरी तरफ सेकना है और ऐसे ही दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेक के फिर इसको प्लेट में निकाल लेना है। बस ये तैयार हो गया। आप इसको मनपसंद चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।